हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे तो सुबह के 10:30, और मैंने ना अभी तक कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि रात को ना बहुत ही बुरी हालत थी। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि पूछो ही मत। रात को मेरे कमर में इतनी दर्द, और बाजू कमर, और मतलब ना के बराबर सहन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पहले तो मैं दिन में भी हो रही थी, पर उतनी नहीं मतलब सहन करने लायक थी, पर रात को तो भाई पूछो ही मत कि इतना सहन से बाहर ही हो गया। तो फिर रात को फिर पहले हस्बैंड से लेके उनको भी दर्द की टैबलेट दी है, तो पेन किलर मैंने वो खाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं क्या करूँ, फिर सहन नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने दोबारा फिर गए, वो टैबलेट लेके आए रात को, तब जाके वो खाई, फिर मालिश की गरम तेल से, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी दर्द लगी है, और काम भी मेरा ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी सफाई नहीं हुई घर में अभी तक। बेटा चला गया स्कूल, बाकी बस हस्बैंड को खाना दिया और मैंने खाया, बस वो ही है काम। आज दिन की शुरुआत भी कुछ इस तरह से ही है। कल 2-4 दिन से वैसे कमर में दर्द हो रही है, वैसे मेरी कमर में पहले से प्रॉब्लम है। तो पर वो मैंने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया जिसकी वजह से कुछ पर समझ में नहीं आ रहा है। चलो वो सब तो चलो, अभी दोबारा थोड़ी देर बाद जाऊंगी, शायद इंजेक्शन लगा के आऊँ तो थोड़ा राहत मिलेगी इंजेक्शन से। तो चलिए बाकी का काम करते हैं, साथ में आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मेरा घर वो पूरा मैसी पड़ा हुआ आज ना। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हो आप बेड पे क्या हालत बना के रखी है इन्होंने। वहां पे वो नेबुलाइजर पड़ा है इसका, स्टीम देने वाला, ये तकिए उल्टे सीधे, पता नहीं क्या क्या करके रखा है। अभी किचन में जाके दिखाती हूँ, किचन में तो इससे भी ज्यादा हालत खराब है। मतलब एक दिन बीमार पड़ जाओ तो इस तरह का हालत है। ये देखो, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ सुबह से, बस ये चपाती और वो थोड़े से, बस 2 परांठे बनाए बस अपने लिए और हस्बैंड के लिए, बेटे को खाना बनाया, बस वो ही है। तो अब ये सब काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने बर्तन धो के ना अच्छे से लगा भी दिए, सेट कर दिए हैं। तो बर्तन तो मेरे लग चुके हैं, बाकी का काम बचा हुआ कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना जो कपड़े थे वो भी मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं, 2-4 दिन से ऐसे पड़ रहे थे, फोल्ड नहीं कर पा रही थी मैं। तो ये यहाँ पे फोल्ड हो चुके हैं, और ये बेडशीट है एक, बस इनको अलमारी में लगा दूंगी तो फिर बस काम जो है मेरा फिनिश हो जाएगा। धूप तो ठीक लगी आज ना। अंकल ने लगा दिया है। क्या लग रहा, साग होना, साग होना क्या क्या? चल। तो यहाँ पर ना मैंने रात के खाने में बनाया था रेड मसर की दाल और चावल और चपाती, साथ में वो भुनी हुई मिर्ची। तो अभी ना रात के बज रहे हैं 10, और मैंने ना खाना पीना खा लिया, और थोड़ी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था ना कि बहुत ही हालत खराब है मेरी ना। तो इंजेक्शन भी लगवाया पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अभी कल जाती हूँ, देखती हूँ कहीं नेक्स्ट कहीं हॉस्पिटल दिखाती हूँ कहीं अच्छे से। उसमें ऐसे नॉर्मल क्लिनिक से लगवाया था मैंने इंजेक्शन ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, तो कल देखते हैं। तो आजकल बेटा भी जल्दी आ जाता है स्कूल से, तो उस वजह से फिर जा नहीं पाते हैं कहीं भी ना, उसको भी लेना रहता है मेरे को, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बाकी कोई लेने वाला है भी नहीं है, तो उस वजह से ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है मुझे। तो खाना पीना तो हो चुका है मेरा, बस थोड़ा बहुत काम था वो भी मैंने कर लिया। और काम तो हो नहीं रहा, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना, बच्चे को तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।